कैसे मुस्लिमों के चहेते बन गए नेताजी। मुल्ला मुलायम बुलाने लगे थे विरोधी। अयोध्या में कार सेवकों पर चलवाई थी गोली। समाजवादी पार्टी के संस्थापक उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री और यूपी की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया। आज भले ही मुलायम सिंह का कुनबा देश के सबसे बड़े राजनीतिक कुनबे में से एक हो, लेकिन वो खुद एक किसान परिवार से देश के रक्षा मंत्री के पद तक पहुंचे। यूपी के मुस्लिम मतदाताओं के लिए मुलायम सबसे पसंदीदा राजनेता बने थे। बतौर मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के पहले ही साल में मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसा फैसला किया था जिसने देश और प्रदेश की राजनीति बदल दी थी। उन्होंने 30 अक्टूबर 1990 को अपनी पुलिस को अयोध्या में एकत्रित और विवादित बाबरी मस्जिद पर चढ़ने की कोशिश कर रहे कार सेवकों पर गोली चलाने के निर्देश दिए थे। इस घटना में करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से मुलायम मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बन गए। यही नहीं, उन्होंने राजनीति में नया नाम भी मिला। विरोधी उन्हें मुल्ला मुलायम कहने लगे थे। जनता दल के नेता मुलायम सिंह उस समय समाजवादी जगत के कई दिग्गजों में से एक थे। हालांकि कार्यसेवकों पर कार्रवाई के साथ मुलायम ने खुद को मजबूत राजनेता के तौर पर स्थापित कर दिया। इसने भाजपा की तेजी से बढ़ते राम मंदिर आंदोलन को भी पटरी पर ला दिया था। हालांकि घटना के बाद केंद्र और यूपी दोनों में भाजपा द्वारा जनता दल से समर्थन वापस लेने के बाद मुलायम सिंह की सरकार गिर गई थी। पुलिस फायरिंग की घटना के ठीक 2 साल बाद कार्यसेवकों का एक और समूह बाबरी पर चढ़ गया और विवादित ढांचा तोड़ दिया। उस समय राज्य में भाजपा सरकार थी। बाबरी विध्वंस की घटना से पहले मुसलमानों से सरकार में विश्वास बनाए रखने की अपील करते हुए मुलायम सिंह ने कहा था, मस्जिदों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। जब कार्यसेवक मस्जिद की तरफ कूच कर रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे अधिकांश कार्यसेवक तितर बितर हो गए। मुठ्ठी भर लोग बाबरी के गुम्बद को तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी उतार दिया। इस घटना में मरने वालों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे थे, लेकिन आधिकारिक संख्या 30 के आसपास थी। भाजपा ने मुलायम को इसके बाद से ही मुल्ला मुलायम कहना शुरू कर दिया था। हालांकि राम मंदिर को लेकर तेज हुई राजनीति में खुद को किनारे करने वाले मुस्लिम समुदाय के लिए 1992 में मुलायम ने जिस समाजवादी पार्टी का गठन किया वो उनकी पसंदीदा पार्टी बन गई थी। ऐसा कहा जाता है कि सपा राज्य में 19% मुस्लिम वोट की एकमात्र दावेदार बन गई थी। मुस्लिमों के इसी समर्थन के बाद मुलायम को एक ऐसा समीकरण बनाने का मौका मिला जिसने यूपी की राजनीति बदल दी। मुस्लिम यादव यानी MY वोट बैंक मुलायम की सबसे बड़ी कामयाबी बनी। मुलायम के लिए मुस्लिमों के बेशुमार समर्थन ने उन्हें 1992 के बाद यूपी से परे अन्य पार्टियों के लिए एक जाना पहचाना नेता बना दिया था।